परसों गाइस कैसे हो गाइस। आज की ये अपनी तीसरी चौथी वीडियो है GT5 की। तो गाइस यार जो अपने गाइस यार पीछे वाले गाइस है जो अपने F5B वालों ने पैसे वैसे देने थे वो अभी गाइस यार मैं लेकर आ चुका हूँ। अभी बस अपन ने बाइक पर बैठना है और हमने जाना है नई गाड़ी खरीदने के लिए। वो इन्होंने आधे पैसे दिए थे इसलिए अभी गाइस यार मैं इधर से आ चुका हूँ। अभी बैठते हैं अपन अपनी बाइक के ऊपर। तो अभी गाइस यार बाइक को लेकर मैं सीधा निकलने वाला हूँ सेमियोन के पास। सेमियोन को मैंने एक गाड़ी का ऑर्डर दिया था, वो आपको अभी पता चल जाए कौन सी गाड़ी थी। तो वैसे सेमियोन के पास जाकर ही वो तो पता चलेगा कौन सी गाड़ी का मैंने ऑर्डर दिया था। वो गाड़ी सुपर कार है, बहुत ज़्यादा तेज भागती है। 150 तक तो जाती है, 170 यहाँ तक तो जाती है गाइस। वो वाली कार बहुत ज़्यादा मस्त है गाइस। ये गाइस मैं वो वाली कार लेना, ये खड़ी गाइस अंदर की तरफ खड़ी है। और कैसे ये शोरूम भी कभी खरीदेगी इसका सेमियोन का। तो भैया अपनी ना बाइक वाइक मस्त से पार्क कर दे, ऐसे गाइस आसानी होती है बाइक वाइक को पार्क करने में। फिर और सीधी कर दे, हाँ अब सही है। चल भी माइकल लॉक वॉक लगा दे गाड़ी, इधर कोई चोरी कर कर ना ले। अपना शोरूम नहीं है ये कौन सी गाड़ी खड़ी है भाई। अभी अंधा है, ये गाड़ी देखो कितनी ज्यादा गंदी हो रखी है। इधर ये गाड़ी की नहीं, नहीं भाई आ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तभी सेमियोन से अंदर जाकर बातचीत करते हैं। और वो हमें किसी से मिलाने वाला था, पता नहीं वो कौन है। अबे ओ सेमियोन किधर है रे सेमियोन, ओ सेमियोन अबे ओ गाड़ी के डीलर। ये अपनी गाड़ी वाड़ी को फिर जाकर देखते हैं। हाँ भी सेमियोन किससे मिलवाने वाला था, तो गाड़ी का प्राइस व्राइस कितना है मैं 2 मिनट चेक कर आता हूँ। तो ये बोल रहा है कि एक आदमी है गैराज के अंदर खड़ा है, उसका नाम बैनी है शायद। देखते हैं ये खड़ा लगता है। तो हाँ भी बैनी कैसा है भाई। और सुना भाई बहन यार मेरे साथ एक, मैंने ना ये शोरूम खरीदना है, ये सेमियोन ने बेचना है, बस मेरे पास अभी पैसे नहीं इकट्ठे हुए। तुमने मेरे साथ ही काम करना है, कहीं और पर मत जाना। मैंने सुना है तुम बहुत ज़्यादा बढ़िया मैकेनिक हो, ये बोल रहा था। तो अभी बहन यार मैं अपनी गाड़ी वाड़ी देख रहा था, उससे बुलेट प्रूफ तो बना दोगे ना। तो अभी कहा सर बहनी से मेरी बात हो चुकी है। बहनी बोल रहा है तुम माइकल यार तुम मतलब कोई टेंशन ना लो कि ये अपनी गाड़ी को बुलेट प्रूफ बना देगा मस्त। तो ऐसे बंदा तो ये बढ़िया लग रहा है, अपने साथ अपने इस वाले शोरूम के अंदर हेल्प करा देगा। पर अभी नहीं है, तो अपनी ये वाली कार है जैसे कि आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है ना। इसका कलर वगैरह भी चेंज करा लेंगे, पर अभी तो मुझे यही अच्छा लग रहा है। अंदर अंदर बैठ कर देखते हैं भाई इस गाड़ी के, ऐसे इसका इंटीरियर देखिए, इंटीरियर इंटीरियर देखते हैं इसका। फ्लाई यूएस का इसे लिखा हुआ है इसके अंदर। इंटीरियर चेक करो गाइस, गाड़ी का 2 सीटर कार है मस्त, 2 सीटर ये है। यस गाइस रेसिंग कार है, रेस के टूर्नामेंट में लेके जाएगी, जाके उसे कहीं पर देखा जाएगा। पर ये तो अपनी यार फेवरेट कार है, बस इसे ये अपनी पर्सनल कार हो चुकी है। पेमेंट वेमेंट इसे मैंने कर दी थी, 2 मिनट वेट वेट वेट, वेट। अबे ओ सेमियन, अबे ओ सेमियोन, अबे ओ सेमियोन, इधर पार करके चलते हैं। मुझे याद ही नहीं आ रहा पेमेंट की थी या नहीं की थी, पर खैर कोई बात नहीं, इसे पेटीएम कर देते इधर से। पर ना की तो भाई की कर दी थी इसे पेमेंट। ये बोल रहे इससे मेरी बात होगी, ये बोल रहे ले जाओ भाई माइकल यार, पर ना ये शोरूम इसने जल्द से जल्द बेचना है, इसलिए जो काम मर्जी करो बस इसे ले जाओ अपनी। एक तो ये गाड़ी वाड़ी ले जाओ इधर से, तो गाड़ी ले जाने के बाद एक गाड़ी तुम्हारी आज आ गई है। तो अपनी ये बोल रहे भैया जल्दी से ना मुझे जाना है, इसने तो कहीं इसने तो कायो पेरिको में जाना है। तो कहीं सर सर ये हम नहीं जा सकते, तो ये अपना शोरूम बेचना चाहते किसी को, वहाँ पर ही रहेगा हमेशा के लिए। तो कहीं सर फिर इधर से हम अपनी ये वाली गाड़ी को निकाल लेके चलते। वैसे लुक चेक करो कहीं सर, सिनेमैटिक व्यू में इसका लुक चेक करो गाइस कितनी ज़्यादा बढ़िया है। और गाइस जिसने भी अभी तक अपनी गेम की वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रहो भैया, जल्दी से करो ना, इसका
का ये बर्नआउट निकाले जरा। ब्रेक क्वालिटी मस्ती है, बढ़िया है। क्रैकर सुनोगा इसे, इसके जो ये टाके से मारा है पीछे से, इंजन चेक करोगा इसे। ये देखो जो ये रेड रेड से डॉट नहीं है, ये पता नहीं कितने डॉट है, ए 1 2 3, ये 3 ऐसे है राइडिंग वे में। इंजन चेक करो सर, पीछे की तरफ से आ रहा है, पूरा घूम रहा है, जैसा कि ये सब फ्रेम के अंदर। ये देखो सर पूरा घूम रहा है, इधर की तरफ ही ये पंखे वंखे लगे हैं, मस्त कार है। तो अभी इस गाड़ी को हम लेकर चलते हैं सीधा भगाते हुए, स्पीड टेस्ट करनी है सर। मैंने इस गाड़ी की ना स्पीड वीड टेस्ट करनी है, इसलिए हम जाएंगे एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पर एक तो अपना उधर एयरपोर्ट पर हम चलते हैं, एयरपोर्ट पर इसकी स्पीड टेस्ट बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि मिलिट्री के अंदर तो भाई यार अभी किसी की एंट्री हो नहीं सकती। ये गाड़ी तो ब्लास्ट होकर जाएगी अगर हम मिलिट्री के अंदर गए तो। अभी गाड़ी सर इधर से हम लेकर चलते हैं एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पर जाने से पहले हम जल्दी से इसे भगा लेते हैं। तो गाड़ी सर एक गाड़ी सर मुझे लेस्टर का भी कॉल आई थी कि माइक लाए जल्दी से आ जाए, एक काम है मस्त सा, वो हमें कोई बात हुआ तो बताने वाला है कि उसे एक पता नहीं कोई सरप्राइज वरप्राइज देना है मुझे। गाड़ी तो गई सर मैंने ले ली है, इसके पैसे भर गए, लेस्टर से हाथ हाथ मिलाकर बढ़िया काम किया है हमने। अभी हम माला माला पहले इसका फ्यूल या फुल कर लेते हैं, ये इधर से फ्यूल भरा लेते हैं इसके अंदर, आगे जाकर भरते हैं भाई यार फ्यूल भर। इधर इसे मस्त रोक देते हैं थोड़ा सा आगे। इसकी टैंकी किधर है रे? इसकी टैंकी को देख कर ही रोकेगी ना। किधर है किधर है किधर है किधर है? नहीं हो यार, इसके मेरे हिसाब से ना इसे अनलॉक कर कर देखना पड़ेगा। इसकी टैंकी किधर है? ये देखो ऐसे मस्त कितनी लग रही है। तब इसका फ्यूल वगैरह भरा लेते हैं बाहर निकल कर। बारी खोलो भाई, अबे ओ फ्यूल वाले चाचा किधर है रे? फ्यूल वाले चाचा तो है नहीं, अभी हम खुद ही फ्यूल वगैरह भर लेते हैं। इधर से तो अभी गई सर मैंने गई सर फ्यूल वगैरह भर लिया है इसके अंदर मस्त। तो अभी हम निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। गाड़ी देखो, गाड़ी की लुक चेक करो गई सर एक बार, कितनी ज्यादा मस्त लुक है गाड़ी की। तो अभी गई सर हम जाने वाले हैं सीधा एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपसे बात करते हैं गाइस। आराम से एयरपोर्ट जाएगी, स्क्रैच वगैरह नहीं है, चले अपनी गाड़ी को। तो अभी फाइनली गाइस सर मैं एयरपोर्ट पर पहुंच चुका हूँ, पर इधर गाइस सर मुझे एक ये गाड़ी दिख रही है, ये गाड़ी, ये तो गाइस सर डेंजर डॉन की कार, इसे पकड़ना होगा। लेस्टर ने बोला था ये भी इधर ही नजदीकी कहीं पर है, पर इसे पकड़ना होगा जल्दी से गाइस। डेंजर जोन की एक गाइस गाड़ी के लॉक जाम हो चुकी है, अभी यार इसे पकड़ना होगा। लेस्टर को फोन वान करना पड़ेगा, लेस्टर यार डेंजर डाउन की कार मिल चुकी है, डेंजर डाउन ही है ना इसके अंदर, हयास गाइस डेंजर डाउन ही है गाड़ी के अंदर। ये गाइस ड्रग्स स्मगलर है, ये ड्रग्स व्रग्स स्मगलिंग करता है। ये गाइस गाड़ी का लॉक वॉक खराब हो चुका है, लेस्टर को फोन वान करना पड़ेगा। लेस्टर यार यार तू जल्दी से आ, इधर काम वाम खराब हो चुका है अपना, डेंजर डॉन इधर ही है। अभी तक डेंजर डॉन जिंदा है, इसकी मीडिया में कल ही खबर आ रही है इसकी, डेंजर डॉन मर चुका है, पर ये तो अभी कहीं से जिंदा है। मैं पूरा डर चुका हूँ कि भैया डेंजर डॉन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कहीं से मेरी गाड़ी की लॉक खराब हो चुकी है। पर इसे कहीं से मैं छोड़ने तो नहीं, कहीं से मैं नहीं भाड़ा इसे, साइड में हो जा भाई डेंजर डॉन। यार इसे फायरिंग वायरिंग करनी पड़ेगी अभी गाइस सर, पर गाइस सर पुलिस पुलिस का चक्कर हो सकता है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही रोकने की कोशिश करूंगा। अगर हम बेहोश बेहोश होता है तो करते हैं। डस्टर को मैंने गाइस सर फोन वोन कर लिया है, डस्टर बोला है वो तो अभी ये लॉस एंटोस के बाहर है, वो जो अभी के अभी नहीं भी आ सकता, किसी को भेज भी नहीं सकता क्योंकि सारी सिक्योरिटी घर पर है। डेंजर जोन का कोई प्लान भी हो सकता है, इसलिए वो किसी सिक्योरिटी को नहीं भेज सकता। डस्टर ने जवाब दी, लेस्टर बोल रहे हैं माइक के लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा। अभी कहीं से हम इसे पकड़ रही है, बहुत ज़्यादा टाइम वाइम लग रहा है इसे, एक गाड़ी की लॉक जाम हो चुकी है। तो अभी कहीं सर इसे कहीं सर पकड़ना थोड़ा सा डेंजरस हो रहा है। ये देखो कहीं सर ये कितने ज़्यादा
तरीके से गाड़ी वाड़ी चल। अभी अभी कैसे इसे ना टक्कर वक्कर देनी पड़ेगी मस्त, इधर से लेकर आते हैं। पीछे से टक्कर ज्यादा खतरनाक नहीं होगी पर फिर भी देते हैं ऐसे टक्कर। मरा तो नहीं ना, फायरिंग करनी पड़ेगी, फायरिंग करनी पड़ेगी। हमारे पास उधर एक वैन वैन खड़ी तो उसके अंदर ले जाएगी, पर इस गाड़ी के अंदर तो ये फिट विट नहीं आएगा ना, इसलिए उसी गाड़ी के अंदर ही हम इसे बैठा कर देकर जाएंगे। तो पहले इसे कैसे पकड़ तो ले हम आज, अच्छा नई गाड़ी की ये इसके अंदर चेकिंग वेकिंग करने लग गए। आप भी शायद ये मर सकते हैं एक टक्कर से, इसके पास थोड़ी सी ही हेल्थ है, ये एक टक्कर से मर सकता है क्योंकि इनके मेरे हिसाब से तो इसकी कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं डाली होगी। बस अभी इसे पकड़ना है गाड़ी में से, कैसे गाड़ी के शीशे वीशे तो ब्लैक बिल्कुल, क्योंकि कैसे गाड़ी के फुल स्पीड पर 100 की स्पीड पर तो कैसे जा ही रहा होगा, 200 300 पर तो नहीं होगा, तो 80 की तो होगी, 80 100 की स्पीड होगी इसकी। पर कैसे इन बातों का टाइम नहीं है, अभी इसे सिर्फ पकड़ना है, इसके टायर वायर पंचर वंचर कर देते हैं हम। ये देखो ये गेट का ही सर, ये ना मैप है, अबे यार भाग ना जाए, पकड़ना थोड़ा सा डेंजरस हो रहा है अभी। आगे आकर कहीं अपनी गाड़ी ना खंभों में आकर भर जाए, इसलिए अभी इसे मारना ही पड़ेगा इस यार। किधर गया, अबे वो गया, अभी ना सीधा जाकर ना इसे मारना ही पड़ेगा अभी, इधर से मार। कोई बात नहीं, से बेहोश वेहोश करने की कोशिश करते हैं, एक गन है मेरे पास जिससे बेहोश ही होगा। ये किया, बेहोश हो चुका है गाइस सर, अभी ये इसी की गाड़ी में ले जाएगी अभी इसे। वैसे कैसे इधर ऐसे टो ट्रक होगा, इसकी गाड़ी को टो करके ले जाती है, अपनी गाड़ी को इधर कहीं पर पार्क वार्क कर जाएगी। फिलहाल इसकी गाड़ी इस साइड में खड़ी है इधर कहीं पर, मैं टो ट्रक देख कर आता हूँ अगर मिलता है तो। अभी गाइस सर इधर गाइस सर मुझे गाइस सर और कोई व्हीकल तो कैसे मिला नहीं, इसलिए कैसे ये कैसे एम्बुलेंस के अंदर कैसे कोई शक भी नहीं करेंगे, एम्बुलेंस के अंदर बैठा कर दी जाती है, इसके कोई चेकिंग वैकिंग भी नहीं करेगा। हुटर बस इसके सायरन ऑन कर लेगी, बस अपनी गाड़ी इधर खड़ी रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाद में अपने सिक्योरिटी गार्ड को आकर बोल दूंगा ले जाए, पर अभी का इस अपना वो सिक्योरिटी गार्ड अपनी ये बेस के अंदर रहे, क्योंकि हम अभी इतने बड़े ऐसे नहीं करते कि अपने पास सिक्योरिटी रहे। इसे सायरन ऑन कर देते हैं, उधर जाकर इसे इसके अंदर ही बैठा लेते हैं, दरवाजे खोल ले इसका पिछले वाला भी। ये क्या हुआ, पता नहीं कैसे क्या हुआ था, चल खैर छोड़े से। हमें कैसे इसे गाड़ी से बाहर निकाल करना, देखो सर इधर फेंकना है, सारी गाड़ी खोल चुकी है इधर से, सायरन वायरन बज रहे हैं इस गाड़ी के अंदर, देखते कितनी स्पेस है, पर आ तो जाएगा हमने से गाइस यार, गाड़ी के अंदर स्पेस कम है। चल कोई बात नहीं, इसे फिट विट करने का कुछ सोचते हैं, जुगाड़ उगाड़ पहले इस गाड़ी के बाहर निकालते हैं, खींच धो कर खींच खींच कर इसे बाहर निकालते गए। ठीक है, ये देखो ऐसे ये बैठा अपना, ये माइक लेयर तू क्यों अंदर जा रहा है। तो अभी गाइस मैं ऐसे कैसे गाड़ी के अंदर बैठाता हूँ, तो अभी गाइस सर इसे गाइस सर मैंने गाइस सर गाड़ी के अंदर लोड वोड कर दिया है। ये देखो अभी बस इसे इस गाड़ी के अंदर डाल कर लेकर जाना है उस वहाँ तक अपनी रेस्टोर के बेस तक, केयरफुली पैसे इसे कुछ चेक वेक तो करेगा नहीं लगेगा। अभी ये मरीज है, बारी बारी हमने बंद कर दी है गाड़ी की। यस गाइस सर मस्त जाएगी अब हम, इसे को कुछ शक भी नहीं होगा कि गाड़ी के डिक्की के अंदर कोई मरीज, वैसे मरीज ही है ये भी एक। बस लेस्टर का मुझे फोन आ गया था, लेस्टर बोल रहा था भैया माइकल यार जल्दी से आ जाओ, वैसे इस गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा लो है, किसी और गाड़ी के अंदर रख नहीं सकते, बस एक बार एयरपोर्ट के बाहर निकले फिर तो जो मर्जी गाड़ी ले ले, फिर तो किसी और गाड़ी के अंदर शिफ्ट कर देगी। वैसे पुलिस इसका नंबर ना नोट कर ले, इस बात की टेंशन है। वैसे मैं रोड से क्यों जा रहा हूँ भैया, सीधा चलते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। वैसे मेरे पास इधर कोई प्लेन व्लेन, कोई प्लेन के अंदर लोड करके ले जाते, पर प्लेन के अंदर थोड़ा सा खतरा हो सकता है कि प्लेन टेक ऑफ करेगा तो इसके अंदर उधर जाकर हम, उधर का सर कोई रनवे तो है नहीं जहाँ पर जाकर लैंड वैंड कर देंगे हेलीकॉप्टर से, पर हो सकता है, पर हेलीकॉप्टर कौन लाएगा। तो भी सर एम्बुलेंस के अंदर ही इसे हमने बिठा लिया है,
एम्बुलेंस के अंदर बैठकर ही अभी ये जाएगा, बस जाग ये होश आश ना ऐसे आ जाए, पर आएगा तो नहीं इतनी जल्दी। ये गाइस सर बातें बातें कर मैं चक्कर में थोड़ा सा आगे आ गया, अभी ऐसे जल्दी से जाना पड़ेगा। वैसे नॉर्मल बिहेव करता हूँ, किसी को शक भी नहीं होगा, बस एम्बुलेंस वाले तो ऐसे ही शो करते हैं कि भैया ज़्यादा जल्दी में होते हैं एम्बुलेंस वाले, इसलिए हमें भी थोड़ी बहुत ही जल्दी है कि भैया ये मरीज मरता तो नहीं है। इसके वो वाली गेंद में जाइए जो कि मुझे लेस्टर ने खरीद कर दी थी, इससे बंदा मरता नहीं, सीधा इसकी वैसे मेरे बाजू पर मारा है, ये मरेगा नहीं इतनी जल्दी। इधर से कैसे ले कर चलते हैं। तो कैसे जिसने भी अब तक अपनी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर क्या रहे हो, जल्दी से कर दो। अब यार फाटक फाटक मुझे तोड़ना पड़ेगा, जल्दी से जाकर खोलो भाई, खोलो यार। अभी शुक्र है इसने खोल दिया। वैसे अब तो कैसे किसी को शक वक तो नहीं है, वैसे कैसे मैं ना ऐसे ऐसे यहाँ पर मार्क वार्क कर लेते हैं हम, ये लोकेशन लोकेशन मार्क कर लेते हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं है पर ज़्यादा पास भी नहीं है। ये रहा अभी गाइस, ये मुझे परमानेंटली याद है भैया कहाँ पर है अपना सीक्रेट बेस, तो अभी नहीं मैं भूलता क्योंकि तब तो ऐसे नया नया टेस्टर का था इसलिए भूल जाते थे। ये सारा रास्ता ही ख़त्म हो गया गाइस, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आ रही ज़्यादा, तो चलो हमें क्या है, हमें तो बस पुलिस वुलिस का नाका वाका ना रास्ते में आए। वैसे अभी तक तो मुझे कोई नहीं आया, वैसे इस यहाँ पर भी मुझे बिना चेकिंग के बाहर जाने दिया, थोड़ा अगर हम हाईवे पर हो जाते तो चलो खैर इधर से सब कुछ छोड़ते हुए सीधा अंदर की तरफ चलते हैं। इधर से साइड 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 अभी कैसे गाड़ी को अपन भगाते हुए लेकर जाने वाले हैं सीधा उस एरिए के लिए, अपने बेस के लिए। इधर का इसे पर गए जल्दी लेकर जाना पड़ेगा इसे, ये मर वरना चाहिए, वैसे मरता तो नहीं है ऐसे, फिर भी ना ये इसे यूज़ नहीं था मैं करने का ऐसे इस गन को किया, फिर भी एम्बुलेंस के अंदर है, एम्बुलेंस की स्पीड भी 145 तक की पहुंच रही है, ज़्यादातर ज़्यादा नहीं रही, व्हीकल की थोड़ी सी स्पीड कम करते हैं हम, स्पीड वीड इसकी कम वम ही रखनी पड़ेगी ऐसे हमें। तो अभी गाइस इधर से गाइस यार ये गाइस ब्लैक शीट पड़ी थी गाइस इस गाड़ी के अंदर पीछे वाली साइड पे, वो गाइस मैंने हर एक शीशे पर लगा दिया कि कोई इसे पहचान ना पाए, क्योंकि अभी हम इसी के एरिया से जाने वाले हैं, और इसकी स्पीड भी थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी क्योंकि इसके जो ना वो बैरिंग में कुछ चला गया था, मुझे मैं ये आउट ऑफ कंट्रोल होगी कहीं इसी गाड़ी में आकर ठुक गई, मैंने सोचा भैया इसे क्या हो रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, जैसे अभी भी थोड़ी बहुत ही हो रही है, पर अभी इसका बैरिंग वेरिंग चेंज किया है, अब ये बढ़िया चलेगी। ये एम्बुलेंस थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट ही हो गई, 2 किलोमीटर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, पर गाइस यार ये मैं गलत आ गया शायद, यस गाइस गलत आ गया भाई। चलो कोई बात नहीं, हमें इतनी जल्दी तो क्या है, अभी तो हमें कोई पहचान ही नहीं सकता, बस गाड़ी वाड़ी जो भी है देखते जाओ बस इन गाड़ियों को ना, इस गाड़ी को अभी कोई पहचानेगा तो नहीं, क्योंकि रास्ते के अंदर मैंने इससे थोड़ा सा सेट वेट कर दिया था इस गाड़ी को, जिनका वैसे हमें नुकसान नुकसान बहुत करती है यहाँ पर, जिनकी भी यहाँ पर ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी थी। अबे यार जल्दी से मूव मूव कर दे भाई, ऐसे कैसे गाड़ी वाड़ी कितनी ज़्यादा टूट रही है, वैसे टूट वूट नहीं रही, फिर से रिपेयर हो जाएगी देख लेना, ये एम्बुलेंस एयरपोर्ट की है, कोई डेंजर वेंजर नहीं होगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये देखो फिर से रिपेयर होगी, ये क्या हो रहा है गाइस, ये लगता है इसके फिर से कोई फॉल्ट वाल्ट आ गया। वैसे वैसे ऑटो रिपेयर तो हो जाती है ये खुद ब खुद ही, क्योंकि ये गाड़ी ऐसी है। तो अभी गाइस सर हमें जल्दी से भगाते हुए लेकर जाना पड़ेगा, अब एक गाइस यार फिर से हाईवे के ऊपर से घूम कर जाना पड़ेगा ना, फिर से एक गलत काम हो चुका है अभी गाइस, माइकल को ना कहते हॉस्पिटल में इसी एम्बुलेंस के अंदर बैठा कर देकर जाना पड़े,
इसलिए थोड़ी सी केयरफुली चलाते हैं। गाड़ी गाड़ी बदलनी चाहिए कैसे, मुझे तो लग रहा है। अभी यार अभी पूरा ना यू टर्न ऐसे घूम कर फिर से आना पड़ेगा इधर को। सुबह से किडनैप तो हमने कर लिया, अभी इसके पनाती उनाती इसके बेटे से बहुत ज्यादा ही मांगेंगे हम। तो स्लो ब्लो कर लेते हैं इधर बेटा। सेकंड गाइस ये आगे से रास्ता है तो सही, शायद ये आगे सीधे ले जाती है। अरे तो अभी गाइस सर मैं गाइस सर अपने घर पर आ चुका हूँ, अपने बेस में आ चुका हूँ, ये देख सकते हो आप। गाइस सर मैंने गाइस सर उस डेंजर डॉन को मैंने अंदर रख दिया, गाड़ी में से निकाल कर गाड़ी को लॉक कर देते हैं। इधर ही सायरन इसके बंद है। अभी गाइस सर जल्दी से चलते हैं अंदर और पिटाई उटाई कर कर पूछते हैं कि हाँ भैया लेस्टर तो इधर है ही नहीं अपना। तो ऐसे लेस्टर कॉल वॉल पर ये देखो अपनी सिक्योरिटी विक्योरिटी ऐसी खड़ी है मस्त। अभी गाइस सर हम इधर से जाएंगे और उससे पीट पीट कर पूछेंगे हाँ भैया अपना सारा गोल्ड है ना जो हमें दे दे, हमें उसका गोल्ड चाहिए, लेस्टर को उसका बदला चाहिए, क्योंकि लेस्टर का पता नहीं उसने क्या बिगाड़ा, लेस्टर का बोरा तो उसने भी उसका गोल्ड ही चुराया है। गाइस सर मैं एक ना इधर से ना वेपन निकालता हूँ बढ़िया से, ये सही है, इससे पिटाई करूँगा ना, ऐसी पिटाई करूँगा ना। अभी यार ये बढ़िया है ना, ये बांध कर रखा गाइस इसे, ये देखो ऊपर लाइट आ गई अपनी। हाँ भाई ये मारना स्टार्ट कर दिया इसे, ये वैसे टस से मस नहीं हो रहा। अबे मेरे बदले नशे गाइस सर पीट पीट कर पूछने वाला है अभी हम। बता बता किधर है, किसी और बंदे को बोलते भैया इसे पीटते रहो, इधर कोई और कोई पहलवान सब बुलाते उसे बोलते भैया इसे पीटते रहो, अभी कॉल कर बुलाता हूँ। तो अभी गाइस सर आपका भाई माइकल इसे इधर ले आए, अभी इसे पीटते हैं। और कैसे कला कल की वीडियो में आपको पता चलेगा कि इसका क्या बनता है। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो अपनी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर सीइंग, बाय बाय, गुड बाय। लेस्टर कब कहाँ गया है, क्यों गया है, कैसे गया है उसका भी पता चल गया, और इसका क्या बनेगा ये भी आपको पता चल जाएगा, सब कुछ आपको कल वाली वीडियो में पता चलेगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फॉर सीइंग, बाय बाय।